अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ये हमारे साथ भैया आ गए माशाल्लाह, ये हैरी भाई और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, वो तो आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको बाद में पता चल जाएगा पूरा व्लॉग देखेंगे। चलो आगे मिलते हैं गाइस। साद भाई जैसे पाकिस्तान आ गए तो अभी मैं जा रहा हूँ, बस वो 4 साल बाद आए थे और मैं जा रहा हूँ, ये किस्मत आप देखें। वरना अगर पाकिस्तान में होता तो सही इंजॉय करते, लेकिन चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर मिल लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। ये हमारे शाजी भाई, ये तलहा और ये हैरी। तलहा ऐसे बैठा है जैसे हमें अपना आईफोन दिखा रहा है कि मेरे पास आईफोन है। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट की साइड पर। मैं और हैरी भाई और शाजी भाई जा रहे हैं कतर। बात तो सुन ले जी, सुनाए। 1000 रुपए तो कुर्बान कर दे। कौन से 1000 रुपए? सामने पड़े हुए ये मेरे अब्बू ने रखे हैं, मुझे क्या पता। तो पता ही नहीं। अभी हम इधर गोंदल में खड़े हैं, अब्बू चीजें ले रहे हैं, तो बस आगे चलते हैं, फिर आपको आगे मिलता हूँ। मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है वैसे। हाँ तो यार लगी रहती है भाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, जैसे उठा हूँ बिजी हूँ। तो अभी चलते हैं बस आगे और फिर देखते हैं, अगर कोई खाने की जगह मिली तो खा लेंगे वहाँ पे, फिर आपको आगे सब कुछ दिखाऊंगा जब जैसे एंटर होऊंगा एयरपोर्ट में। मैंने हैरी भाई को ड्राइव दे दी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने सोचा फ्लाइट के लिए अपने अंदर KFC पे स्टॉप किया है। KFC से चीज़ें वगैरह लिए, ये खाते हैं, फिर आगे बस चलते हैं और आपको दिखाता हूँ आगे। गाइस हम फाइनली सब कुछ हो गया, बोर्डिंग पास भी मिल गई और अभी जा रहे हैं आगे। इन्होंने हमें बहुत तंग किया, कभी क्या पूछ रहे थे कभी क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। और अभी हम जा रहे हैं अपनी गेट नंबर की तरफ, गेट की तरफ चलते हैं और फिर मिलते हैं। गाइस हमें बोर्डिंग पास मिल गए और हम इधर आ गए, इधर ही बैठे तो अपने प्लेन का वेट करते हैं कि कब तक बोर्डिंग शुरू होती है, फिर आगे जाते हैं। खाना तो मैंने जी भर के खा लिया था बाहरी, तो इधर इंतज़ार करते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ आगे। हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने, ये मेरे साथ दूसरे भाई है, ये कह रहे थे मुझे भूख लगी है खाना खाना है, तो अभी इधर वापस आ गए, तो इनको लेके जाते हैं खाना खाने, तो आपको उधर मिलता हूँ। तो गाइस हम इधर बैठे, अभी कॉफ़ी प्लेनेट आए हैं, ये मेरे साथ भाई जा रहे हैं, ये भी हांगकॉन्ग ही जा रहे हैं। इन एम्बेसी वालों ने हमें बहुत तंग किया है, पाकिस्तान एम्बेसी को 0 रेटिंग। तो अभी हम इधर आए हैं कॉफ़ी पीने, तो कॉफ़ी पीते हैं और फिर आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। हमारे फ्लाइट में कोई घंटा पड़ा हुआ है तो इसलिए हम इधर आए हैं। ये एक भाई कह रहे थे मुझे कुछ खाना है पीना है, तो बस इधर आगे इधर ही बैठे हैं, देखते हैं फिर हमारा ऑर्डर आता है, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा कॉफ़ी और शोरमा आ गया है, और ये आपका भाई बैठा है, इसको ठंडा होने दे रहे हैं, जैसे ठंडा होगा फिर मैं इसको खाऊंगा और पीऊँगा। तो चलो खाने के बाद मिलता हूँ। गाइस मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान के एयरपोर्ट में, इतना कुछ ख़ास तो है नहीं, तो यही एयरपोर्ट है छोटा सा। अभी मैं जा रहा हूँ अपने जगह पर, तो आपको फिर उधर मिलता हूँ जब हमारी बोर्डिंग होगी। इधर सारे प्लेन्स वगैरह खड़े हैं, वो हमारा प्लेन तो उस साइड पे खड़ा है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन चलो आपको आगे मिलता हूँ। ये A3 काउंटर है और वो A4 है, और ये बाहर PIA खड़ा है, और वो रहा हमारा जहाज़, आपको शायद दिख रहा हो। कहते पैसिफिक बोल रहा हूँ, था एयरवेज, ये हमारा जहाज है। तो आपका भाई अभी नीचे चलता है, फिर बोर्डिंग का टाइम आपको मिलता होगा। इस फाइनली एंटर हो गए, अभी जा रहे हैं
पीछे प्लेन की तरफ, वो रहा हमारा प्लेन। अभी चलते हैं अंदर और फिर आपको मिलता हूँ फिर फ्लाइट शुरू होगी। तो गाइस फाइनली हम प्लेन में बैठ गए, मैं हूँ है। तो मुझे तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं इंजन के पास वाली सीट मिल गई। तो हमारा कोई 5-6 घंटों का फ्लाइट है, तो आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा। मतलब ओवरऑल द बेस्ट है ये, देखिए इतनी जगह, ये भी है, ये हमारे खाने वाला टेबल, ये भी सही है, और ये हमारा मल्टीमीडिया है जो इधर से कर सकते हो। अभी तो फ़िलहाल इस पर वो ही आ रहे हैं, तो चलो आप लोगों को आगे दिखाता हूँ जब प्लेन उड़ेगा और हमारा खाना आएगा। चलो आगे मिलते हैं। भाई हमारा प्लेन तो फुल हो गया तकरीबन, लेकिन पता नहीं है शुरू क्यों नहीं हो रहा। अभी लोकल लिखा है, लोकल टाइम है बैंकॉक 1:19, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ ट्रेवल 5:30 है। तो चलो कोई नहीं, अभी बस जब शुरू होते हैं हम उड़ने वाले होंगे तो तब आपको मिलता हूँ। सो गाइस मैं बहुत सारे प्लेन में गया हूँ, लेकिन इसकी वो क्या कहते हैं फुट रेस्ट के लिए जगह भी बहुत है। ये देखें इस पे टांग रख सकते हो, मज़े है। और पीछे भी बहुत जगह है, इसको भी इस पर भी सो सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं खाए मैं पहले भी गया था, लेकिन पहले मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, समझो उस टाइम इसको अच्छा नहीं कह सकते थे। अभी तो अच्छा है, इसमें पता नहीं ये क्या पड़ा हुआ है। अच्छा ये हमें सिखाने के लिए कि इमरजेंसी में क्या करना है, ये वो सारा इसमें लिखा होता है। तो ये खैर हमने बहुत पढ़े हैं जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। बस अभी थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट शुरू होने वाली है, ये आप देख सकते हैं मुझे बिल्कुल विंग वाले सीट मिला। तो चलो बस जाते हैं, वो सामने हमारे मुल्क का जहाज खड़ा है PIA। और बस अभी जब जाता हूँ फिर आपको वो वाले दिखाता हूँ क्लिप। चलो मिलते हैं। गाइस फाइनली हमारा जहाज चलने शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी सबने सीट बेल्ट पहन ली है, मैंने भी पहन ली। उड़ने का टाइम आपको दिखाता हूँ, मूव हो रहा है, रनवे की तरफ जा रहे हैं हम, ये आप देख सकते हैं। तो चलो आगे मिलता हूँ आपको। गाइस फाइनली हमारा जहाज आ गया है, और वो आप देख सकते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अभी हम वेट करते हैं कि स्पीड में हो जाए और फ्लाइट। तो चलो अभी मेरा देखें लाइट लग रही है इसमें बार बार, ये अभी उड़ने वाला है। तो चलो ओहो स्पीड में हो गया है थोड़ा, मुझे फीलिंग आ रही है। आप लोगों को तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है जब स्पीड में होता है। ये रहा हमारा रनवे, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे वो छोटे छोटे लाइट्स दिख रहे हैं। ये हमारा रनवे, ये इधर मुड़ेगा और फिर उड़ेगा, ये देखो मुड़ रहा है। वो हमने इस्लामाबाद को बाय बाय कह दिए, हाँ हम रनवे पर आ गए। ये रहा हमारा रनवे, देख सकते हैं आप। अभी बस ये स्पीड पकड़ेगा और उड़ेगा, और वो आप देख सकते हैं नीचे इस्लामाबाद।
जहाज है इस्लामाबाद के नज़ारे करते हुए। ये देखें, बाय बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की बड़ी याद आई कि वैसे नीचे रोड है सामने।
टच कर लिया एयरपोर्ट भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, मेरे अंदर खुद भी दम नहीं है तो चलो आगे। हाँ नहीं वाले तो चलो आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्लाइट तो बड़े मज़े का हुआ लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई। एयरपोर्ट के नज़ारे बस ये है कुछ बैंकॉक एयरपोर्ट के मनाजिर। ये आपका भाई जा रहे अपनी गेट की तरफ। चलो आगे चलते हैं फिर देखते हैं क्या है। ये इतना घूमिंग में तो नहीं लेकिन जा रहे हैं। बस ये है बैंकॉक का एयरपोर्ट और ये है हम। तो ये हम जा रहे हैं आगे अपनी प्लेन की तरफ, आपको आगे ही मिलता हूँ फिर देखते हैं आगे क्या हो। ये देखिए गाइस कितने मज़े का वो बना है आर्ट, और हमारे पाकिस्तान के एयरपोर्ट में कुछ भी नहीं कि लोग अट्रैक्ट होए या कुछ होए। एटलीस्ट कुछ तो बनाना चाहिए उनको जिससे लोगों को अट्रैक्शन मिले। ये देखिए कतर के एयरपोर्ट में इतना बड़ा बाजू बनाया है, बच्चे उधर अट्रैक्ट होते हैं। दुबई के एयरपोर्ट में फुल वाटरफॉल वाले सीन है, और हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। पता नहीं कब हमारे पाकिस्तान में सब कुछ आएगा जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। ये देखिए कितने मज़े का एयरपोर्ट है और वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो गाइस हम सुनसान जगह पर आ गए एयरपोर्ट में भी। ये आप देख सकते हैं हम आ गए वॉशरूम। अभी अपने बैग को पहले जाने देता हूँ, देखना तू जा भाई। ये चल गया मैं भी तो अभी वही वो मेंस का ये ना वो मेंस में गुस्से होने। तो चलो इसके बाद मिलते हैं। तो गाइस आपका भाई फाइनली फ्रेश हो गया, तो बस चलते हैं अपने जगह पर। तो फ्लाइट में तो अभी बहुत टाइम है तो चलते हैं उधर, और फिर आपको दिखाता हूँ साइड की जगह भी साथ में। तो चलो चले वहाँ पे, तो आपको हर तरह के प्लेन्स मिलेंगे। ये थाए खड़ा है, ये चाइना एयरलाइन, उसके आगे भी कोई खड़ा है, उस साइड पे भी बहुत खड़े हैं लेकिन हम उस साइड पे जा नहीं सकते। अगर गया तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। चलो चलते हैं यहाँ। So guys, that's our plane and here's your boy and here's Kashif Bhai. So now we are going ready to board. So there I'll see you guys after boarding. So guys, finally हम जा रहे हैं अपनी प्लेन की तरफ, और यहाँ से थोड़े वायरिंग का मसला है, ऊपर से पानी आ रहा है। ये है हमारा प्लेन, ये हम जा रहे हैं। तो आप लोग आगे देखें, बस ये हमारा प्लेन है। ये तो पाकिस्तान में खुला होता है, साइडों पे बंद है। मैं तो सोच रहा था आप लोगों को साइड का व्यू दिखाऊँ, अगर आगे खुला होगा तो फिर दिखाऊँ, लेकिन वो भी बंद है। चलो फिर प्लेन में ही मिलते हैं आगे। गाइस ये हमारा जहाज शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे विंडो सीट नहीं मिली, सीट बोल दिया सॉरी, नींद में हुआ था। तो खैर मुझे विंडो सीट तो नहीं मिली, लेकिन आप देख सकते हैं हम रनवे पर जा रहे हैं। तो गाइस ये मुझे उमर हम पिक करने आए हैं, हैरी के भाई है, और ये मैं हूँ। ये हम फाइनली एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।